बरेली के थाना बहेड़ी के आजाद नगर लोधीपुर निवासी राजेश कश्यप की 25 मई को मारपीट के चलते हालात गंभीर थी, जिन्हें उपचार के दौरान लखनऊ की GMC रेफर किया गया था। 108 एम्बुलेंस जब राजेश को लेकर लखनऊ पहुंची तब वहां डॉक्टर ने बताया कि वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है, आप इन्हें या तो PGI ले जाए या RML ले जाओ। तब परिजनों ने 108 के EMT कुलदीप वर्मा से बात की, तब उन्होंने बताया कि उन्हें वापस बरेली ले जाओ, यहाँ सब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आप इनकी फीस नहीं दे पाओगे। पैसों की बात सुनकर परिजन घबरा गए। तब 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और EMT ने मिलकर परिजनों को वापस बरेली चलने को कहा। परिजनों से 108 एम्बुलेंस वाले ने 5000 रुपए की मांग की। परिजन परेशानी में होने की वजह से कुछ समझ नहीं पाए और अपने मरीज को बचाने की खातिर जल्द पैसों का इंतजाम कर 108 एम्बुलेंस को दी, तब वापस बरेली आए। बरेली वापस आने के बाद परिजनों को पता चला कि 108 एम्बुलेंस तो फ्री सेवा है, इसके कोई पैसे नहीं दिए जाते। ऐसे धंधेबाज लोगों की वजह से कई लोगों को ना तो सही उपचार मिल पाता और कभी कभी तो कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ जाता है। धंधेबाजी का शिकार हुए परिजन बरेली के जिला अस्पताल के ADSIC डॉक्टर सुबोध मिश्रा से शिकायत की। ADSIC ने 108 के विभाग को लिखकर कार्रवाई करने की बात कही है। वीरवती नाम है हमारा, देवर है। लड़ाई हो गई थी, लड़ाई होने के बाद में फिर ये लोग घर में ले गए थे, हमें बात को पता चला। हम लोग पहुँचे अरोड़ा के यहाँ भर्ती थे वो, उसके बाद में दोपहर में उन्होंने इलाज कराया, शाम को इलाज कराने के लिए नाखलूर हुए। हम लोगों ने पैसा अपने आप उगाए और हम फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ आए, यहाँ वहाँ बरेली हम लोगों ने भर्ती करा था सुशील हॉस्पिटल में, तो उनका डॉक्टर एक मिला हुआ था तो वो लेके आया। सर हम तो MRI कराने आए थे, हमें तो पता नहीं था। नकल तो हम कल ले गए थे, जब वहाँ घर में इनने मेडिकल से दवाई मंगा के बरेली से हमें दी थी, वो दवाई खा के सीरियस हो गए तो हम घर लोग घबरा के भागे नकलों के लिए। उन्होंने हमें MRI के कागज नहीं दिए, हमने 2-3 बार औरतों को लेके गए, नहीं दिए। फिर एक एम्बुलेंस से हम सर आ जाए हैं, 108 है सर, 5000 रुपये लिए थे। वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं हम यहीं छोड़ जाएंगे, वो दूसरा कह रहा था यहाँ तुम भटकते रहोगे, हम लेके नहीं जाएंगे, वहाँ सीट खाली नहीं है। तो हम लोग घबरा रहे थे, तो हमने कहा मेरी जानकारी में आया है कि एक मरीज को मिस्टर कश्यप थे, सीरियस हालत में थे, उनको लखनऊ KGMU रेफर किया गया था। KGMC में एम्बुलेंस से गए थे वो 108 से, वहाँ शायद वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने वहीं से RML रेफर कर दिया। तो अब एम्बुलेंस कहने वालों कहना ये है कि ये लोग उन्हें खुद ही अपने ये रिक्वेस्ट करी कि हमें बरेली वापस ले जाओ, तो वो बरेली वापस ले आया, लेकिन उसने उनसे इस काम के 5000 रुपये ले लिए। ये मेरी जानकारी में अभी मरीज के परिजनों ने बताया, तो उसके खिलाफ हम एजेंसी को GVK कंपनी को लिख रहे हैं और 5000 रुपये वापसी के लिए हमने कह दिया है, उसी को वापस करने के लिए उसने कह दिया। किसका नाम? कुलदीप वर्मा बता रहा था। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।